बताना चाहूंगी कि ये पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था इन 4000 BC एंड उन्होंने ये चीज डिस्कवर करी थी कि ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं है, जो रैशनल्स में नहीं लिखे जाते, जैसे पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम इरैशनल कहते हैं, उन्हें हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं इरैशनल की, तो हम ये कह सकते हैं these are the numbers which cannot be written in the form of a ratio of integers। एक पॉइंट नोट कर सकते हो आप लोग इज दैट कि देर आर इनफाइनाइट मेनी इरैशनल नंबर्स, देर आर रैशनल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड रैशनल नंबर के बारे में आपको एक चीज में के एग्जांपल्स दे सकते हैं अंडर रूट 2, थ्री, अंडर रूट 5 और पाई भी। पाई भी इरैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक रिमार्क बताती हूँ मैं कि हम लोग सोचते हैं कि अंडर रूट 5 क्या, अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट करें ऑफ द नंबर, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। बट नहीं, इसके दो रूट्स होते होगा का, एक तो होगा 2 एंड एक होगा -2। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी इरैशनल नंबर है उनके दो रूट्स निकलेंगे, उसका सिर्फ एक पॉजिटिव रूट नहीं होगा, उसका नेगेटिव। उसके बाद हम अगर पॉइंट्स की बात करें तो पाइथागोरियंस, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है पाइथागोरियंस। पाइथागोरियंस मतलब ऐसे मैथमेटिशियंस जिन्होंने, जो पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, जो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो चीज जो पाइथागोरस ने बताई है वो बिल्कुल सही है। ऐसे मैथमेटिशियंस ने ऑल्सो प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर। तो उन सब मैथमेटिशियन ने माना है कि अंडर रूट 2 इज इरैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर लेटली थिरोडोरस ऑफ साइरीन शोड अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 एंड सो ऑन पाइब आर ऑल्सो इरैशनल नंबर्स। तो ये जो है वो मैथमेटिशियन थे एंड उन्होंने फिर आगे प्रूफ करा कि अंडर रूट 3, 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 एंड पाई आर ऑल्सो इरैशनल नंबर्स। एंड मैं आपको एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि जो रियल नंबर है वो इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं रैशनल प्लस इरैशनल। अगर आप देखा होगा फिगर देखा होगा तो मैंने यहाँ दिखाया है इस इमेज में, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रियल नंबर है उसमें रैशनल और इरैशनल दोनों है। इरैशनल ये रहे, रैशनल ये रहे। रैशनल के अंदर इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो इस तरह से हम रियल नंबर जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग ये सीरीज इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज मैंने एज अ स्टूडेंट देखा है कि बहुत बच्चों को
बहुत लेजीनेस होती है कि लाइक बुक से सीधा पढ़ना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो पहले वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप पहले वीडियोस देख लो एंड देन जब आप अपनी बुक खोल कर बैठोगे तो आपको सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हम नंबर लाइन को वाई वी कॉल नंबर लाइन अ रियल लाइन। हम नंबर लाइन को रियल लाइन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट लाइन। तो हम सारे रियल नंबर्स को एक रियल पॉइंट के थ्रू हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, इसलिए हम नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। लाइक हम लोग सारे पॉइंट्स 0, 1, 2, 3 ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, सारे रियल नंबर रैशनल नंबर्स भी दिखा सकते हैं यहाँ, जो मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ लिख पाना। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अंडर रूट की वैल्यू अगर निकाल कर आप देखो तो आप वहाँ उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो हर नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए उसे रियल लाइन कहते हैं। रियल अभी हमने डिस्कस करा, रियल इज रैशनल प्लस इरैशनल। ओके, तो हम रैशनल्स भी दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे एंड इरैशनल्स भी, एंड उनको दिखा दिया तो हमारे सारे नंबर्स कवर हो गए। तो रियल लाइन जो नंबर लाइन है उसको रियल लाइन कह सकते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट जो है मैं बताना चाहूंगी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट बहुत बच्चे अवॉइड कर देते हैं उसे, बट आई थिंक पता होना चाहिए कि लाइक किस मैथमेटिशियन ने क्या चीज डिस्कवर करी थी, कैसे वो मैथ्स में इंक्लूड हुई, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो इन 1870 टू जर्मन मैथमेटिशियंस केंटोर एंड डीडीकाइन हु रिप्रेजेंटेड अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। सो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी इनका फुल नेम है जॉर्ज एंड इनका नेम है रिचर्ड डीडीकाइन। आई थिंक आई प्रोनाउंस इट यट राइट। ओके, सो इन दोनों ने जो है वो बताया था कि हम लोग इरैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड उन्होंने एग्जाम्पल अंडर रूट 2 का दिया था। तो अब हम वही चीज अभी नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं अंडर रूट 2 को, वो चीज डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लोग डिस्कस करें कि उन्होंने अंडर रूट 2 को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा, अगर उनका हम लोग मेथड जानने की कोशिश करें, तो नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर 0 जो है जिससे 0 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ ए लेते हैं, ये 1 यूनिट एंड यहाँ पर भी 1 यूनिट। ओके, तो अगर पैरेलली इसके 1 यूनिट लेकर जाए यहाँ पर तो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट। इसको बी नेम दे देते हैं और इसको ओ बोलते हैं, ऐसे इट वुड बी लाइक दिस। एंड अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओबी की जो वैल्यू है वो बेस प्लस हाइट, तो ये 1 प्लस 1 एंड 2, ओबी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2। बट
चलो ये तो अंडर रूट टू आ गया, बट नंबर लाइन तो ये है, नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक सेंटर ओ और रेडियस ओबी। सो हमने ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, वही ट्रायंगल बना दिया, वन यूनिट ये ओ, ये ए, ये बी, एंड यहाँ पर अंडर रूट टू आ गया। ठीक है, हमने अभी तक इतना तो कर लिया। अब उसके बाद हम लोग सेंटर जो है वो हमने ओ लिया है, रेडियस जो है वो ओ बी होगी, एंड यहाँ कंपस रख के हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे नंबर लाइन से। तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगा नंबर लाइन को आर्क, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा पी, एंड ये ही पॉइंट अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन नंबर लाइन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन, एंड